वीडियो के ना स्टार्टिंग में एक बात करना चाहूंगा। मैंने ना वीडियो के दरमियान में ये बात भूल गया, मैंने बोला स्टार्टिंग में ये बात, अभी दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करके ये मैं जो क्लिप है ना मेरा ये स्टार्टिंग में रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ? आप तमाम परदेसी भाई माशाल्लाह जो पुराने हैं उस्ताद हैं मेरे भी, वो तो बखूबी जानते हैं, जो नए हम परदेसी हैं यार हमें भी पता है कि पाकिस्तान में डॉलर सॉरी जो गोल्ड का रेट होता है सोने का रेट और या रियाल ऊपर कब जाते हैं? जब डॉलर ऊपर जाता है, ऐसे ही है ना, जब पाकिस्तान में डॉलर का रेट बढ़ता है उस टाइम ही पाकिस्तान में गोल्ड का रेट सोने का रेट भी बढ़ता है, रियाल का रेट भी बढ़ता है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर का रेट नहीं बढ़ रहा है, डॉलर वहीं पर रुका हुआ है, उसमें 5-10 पैसे की मजीद कमी देखने को मिली, और रियाल भी नहीं बढ़ रहा है आपको पता है, लेकिन गोल्ड में तकरीबन 25,000 से 30,000 रुपए का डिफरेंट आ चुका है। मैं आपको तफसील इस वीडियो में बाकी बता देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपके साथ आज का जो रियाल का और डॉलर का रेट है जी मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से, और आज का जो एक्सचेंज रेट रहा वो शेयर कर दूंगा। ओपन मार्केट यार इस वक्त ना परदेसियों, मैं पहली बात तो ये कि ईद आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, आज 28 पूरे हो गए और मेरे हिसाब से तो कल या परसों चांद नज़र आ जाएगा। अच्छा, बहरहाल चांद के मुतल्लिक भी आज एक वीडियो लगाएंगे, और बाकायदा वजारत अदल की तरफ से अच्छी खबर है परदेसियों के लिए, है क्या इस वीडियो को 2-3 घंटे के बाद वीडियो लगाऊंगा, आप देख लीजिएगा। और बागी भाई ईद के मुतल अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है, वही जानती है कि ईद भाई 29 के बाद है या 30 के बाद है। बहरहाल महरे फलकियत क्या कह रहे हैं वो भी आपके साथ उसी वीडियो में शेयर कर दूंगा। अच्छा जी, रेट के मुतल अगर बात करें तो मैं आपको एक बात बता दूंगा कि इस वक्त एक वैसे काम है काफ़ी अच्छा है, इन्वेस्टमेंट थोड़ी और बचत बहुत है, हज़ारों लगाएं और लाखों कमाएं परदेसी। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कैसे, मैं एक वीडियो लगा दूंगा क्योंकि ये बात लंबी हो जाएगी हमारी, इस टाइटल के ऊपर ऐसे टाइटल लिखा होगा सऊदीया का फ्री वीज़े हज़ारों लगाकर लाखों कैसे कमाएं, या आप 10-15 लाख रुपए महीने का कैसे कमा सकते हैं सऊदीया से, यकीन माने ऐसे वो मैं सहरी टाइम लगाऊंगा जी। अच्छा, बहरहाल आज के रेट के मुतालिक बात कर लें तो मैंने वैसे आपको पता है हम जुमेरात वाले दिन की वीडियो लगाते हैं उसमें मैंने एक चीज़ को हाईलाइट किया था कि गोल्ड लें, गोल्ड ख़रीदें, कुछ भाइयों ने लिया भी मुझे व्हाट्सअप के ऊपर, रब्ता भी किया, व्हाट्सअप नंबर यहीं पर आपको फिर दिखा रहा हूँ मैं, आपने मज़ीद कुछ पूछना हो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप भाई मैं बोलता हूँ हम ईद इकट्ठी करेंगे, आप चांद रात की वीडियो, ईद वाले दिन की वीडियो, आप किस शहर में है, अपना नाम, अपनी वीडियो अगर बनाना चाहते हैं तो मुझे इसी व्हाट्सअप के ऊपर सेंड कीजिएगा, मैं सब भाइयों की मिक्स वीडियो लगाऊंगा ईद वाले दिन, हम सब इन्जॉय करेंगे, देखेंगे भाई कौन से शहर में कौन सा भाई बैठा हुआ है और वहाँ पर क्या मनाजर चल रहे हैं। तो बहरहाल जी ये मैं इसलिए बात कर रहा था ईद के ऊपर ना एजेंटों ने लूटमार मचाई हुई है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, तो ओपन मार्केट में इस वक्त पाकिस्तान में रियाल थोड़ा मंदा है, मत एक्सचेंज करो, ईद के बाद करवाइएगा, रेट आपको इंशाल्लाह अच्छा मिल जाएगा। तो बहरहाल मैंने जुमेरात वाली जो वीडियो लगाई थी उसमें मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि गोल्ड के ऊपर इन्वेस्ट करें और गोल्ड लें और फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, तो उस दिन रेट था पाकिस्तान के मुतल्लिक आपको बता दूं मैं, उस दिन रेट था पाकिस्तान में 2,20,000 से 2,25,000 के अराउंड में, और आज पाकिस्तान में रेट पता क्या हो चुका है 2,45,000 से लेकर 2.5 लाख के अराउंड में जी, तकरीबन 20-25 हज़ार का एक तोले की बात कर रहा हूँ मैं, एक तोले के पीछे डिफरेंट हो चुका है। तो मैंने उस दिन बोला था अगर कोई भाई 50 ग्राम का बिस्कुट ले लेता है तो वो खुद ही अभी कैलकुलेट करके देख ले भाई, 25 हज़ार को तकरीबन 4 तोले, 50 ग्राम के 4 तोले तो ईजिली बन जाएंगे, तो 4 तोले के साथ खुद ही 1 लाख प्लस में ये 3-4 दिन में ही भाई कुछ ने लिए, मुझे व्हाट्सअप के ऊपर आप तक ये मुझे बताया अभी। तो बहरहाल जी अभी भी गोल्ड का रेट ऊपर ही जाएगा जो मनाजर सामने आ रखे हैं। अच्छा, रेट के मुताबिक अगर बात करें तो आपको मैं आज का एक्सचेंज रेट 74 प्लस में, इंडिया भाई 22 रुपये प्लस में, बांग्लादेश टका 29 टके प्लस में, मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से आपको बताऊंगा मैं, इनमें बात करेंगे जी। आज तहवीर राजी राजी बैंक की, तो इनका भाई आज का रेट 73 रुपये 24 पैसे रहा और 10.17-10.38 रियाल इनकी फ़ीस होती है। अगर हम वेस्टर्न यूनियन की बात करें तो वेस्टर्न यूनियन का आज का रेट 73 रुपये 46 पैसे है और 10.17-10.38 रियाल इनकी भी फीस होती है। अगर मनीग्राम की बात करें तो मनीग्राम का आज का रेट भाई 73 रुपये 23 पैसे रहा और 10.17-10.23 रियाल इनकी भी फीस है। अगर टैली मनी यानी कि ANB बैंक ऐसे लिखा होता है इनके थ्रू आप भेजना चाहते हैं तो इनका आज का रेट 73 रुपये 27 पैसे है और 10.17-10.23 रियाल इनकी भी फीस होती है। अगर बात कर लें STC पे की भाई, तो STC पे का आज का रेट 73 रुपये 29 पैसे
और 10, 17 एंड 23 रियल फीस के साथ। और अगर बात करें फौरी बैंक बैंक जजीरा की, तो इनका आज का रेट 73.52 रुपये रहा और 10, 17 एंड 23 रियल इनकी भी फीस होती है। अगर भाई आप इंजाज बैंक से भेजना चाहते हैं तो इंजाज बैंक जो आज का रेट दे रहा है वो 73.27 रुपये है। और अगर आप क्विक पे से सेंड करना चाहते हैं तो क्विक पे आज का रेट 73.52 रुपये अच्छा रेट दे रहा है क्विक पे भी। और अगर बात कर लें भाई फ्रेंडी की, तो फ्रेंडी आज का रेट 73.36 रुपये और फीस वही है भाई 10, 17 और 23 रियाल। ये अभी की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी है। गोल्ड का रेट मज़ीद ऊपर जा रहा है, बाकी कुछ भाइयों ने अगर ले लिया तो उनको मज़ीद फ़ायदा है, और कुछ अगर लेना चाह रहे हैं तो आपको भी मज़ीद फ़ायदा होगा इसमें।